वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 3rd अक्टूबर 2022 के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम हमारी आज की हेडलाइंस से। तो हमारी आज की हेडलाइंस हैं, मंगलयान रन्स आउट ऑफ फ्यूल, इसरो लूजेस कॉन्टैक्ट विद मार्स ऑर्बिटर, वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd अक्टूबर, मेडिसिन नोबेल गोज टू स्वेडिश साइंटिस्ट स्वांते पाबो, UGC withdraw mandatory research publication before PhD thesis submission, Finance Ministry to launch special campaign for financial inclusion from October 15, Hurricane Orlain roars towards Mexico's Pacific coast, MG Narega to fund work to reverse desertification of land across states। चलिए अब हम इनके डिटेल में बात करेंगे। Panacea Tutor लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC NET, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो throne पे emperor बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, the world famous कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया economic pragmatism, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF notes और उनसे जुड़े हुए relevant MCQs, साथ ही साथ comprehensive mock tests। So join Panacea Tutor for your successful and bright future। तो हमारी आज की जो पहली न्यूज है वो है मंगलयान के बारे में। मंगलयान जो था वो लॉन्च हुआ था 2013 में, इसको इसरो ने लॉन्च किया था और ये हमारे इंडिया का फर्स्ट इंटर प्लैनेटरी मिशन था। और इस मिशन के लॉन्च होने के बाद इंडिया ऐसा फोर्थ कंट्री बना था पूरे वर्ल्ड में जिसने इस मिशन को लॉन्च किया था। इसका जो टाइम पीरियड था वो 6 मंथ्स था, लेकिन इसका जो ऑपरेशनल रहा टाइम पीरियड वो 8 साल रहा। और अब फाइनली जो मार्स ऑर्बिटर में इसका जो फ्यूल है वो खत्म हो गया है, इसकी वजह से इंडिया का जो लिंक है इस ऑर्बिटर के साथ वो खत्म हो गया है। तो ये हमारी आज की पहली न्यूज़ थी। हमारी आज की अगली न्यूज़ है वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 के बारे में। तो 1985 में UN जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि अक्टूबर के जो फर्स्ट मंडे होगा उस दिन को हम वर्ल्ड हैबिटेट डे के तौर पर मनाएंगे। तो इस साल अक्टूबर 3rd को इस डे को मनाया जा रहा है। तो इन 1986 में पहली बार इस डे को मनाया गया था और इस डे को होस्ट किया था नैरोबी में। तो अगर हम बात करें इस डे के थीम के बारे में, थीम ऑफ द डे फॉर 2022, तो इस साल का जो थीम था वो रहा है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। तो अगर हम बात करें कि इस चीज़ का फोकस क्या है, तो इसका जो फोकस है वो रहता है इनइक्वालिटीज़ के ऊपर कि हैबिटेट में इनइक्वालिटीज़ वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो UN ने जो 3 C's को यहाँ पर हाईलाइट किया है, तो वो 3 C's कौन से हैं? वो 3 C's हैं हमारे पास कोरोना वायरस, क्लाइमेट एंड क्राइसिस। इन तीनों चीज़ों की वजह से जो हैबिटेट में इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो उस चीज पर फोकस करते हुए इस साल इस दिन को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिसिन नोबेल प्राइज के ऊपर 2022 में। ये जो दिया गया है, ये दिया गया है स्वांते पाबो को। इनको इस साल ये नोबेल प्राइज दिया गया है और इनकी डिस्कवरी ने ये प्रूव किया है कि हमारे जो एक्सटेंट रिलेटिव्स हैं नियंडरथल्स एंड डेनिसोवंस, ये हमारे मॉडर्न ह्यूमंस के साथ अपना DNA शेयर करते हैं। तो ये इनकी डिस्कवरी रही है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इनके जो फादर थे स्यून बर्गस्टॉम, उनको भी इसी फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। उनको मिला था 1982 में। तो इनकी जो रीसेंट स्टडी डिस्कवरी हुई है उससे एक नया सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए डिस्कवर हुआ है और उस सब्जेक्ट का जो नाम है वो रखा गया है पैलियोजेनोमिक्स। तो अगर हम बात करें कि प्रेजेंटली वो क्या करते हैं, तो प्रेजेंटली ही इज डायरेक्टर ऑफ द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के बारे में। UGC ने PhD से रिलेटेड 2 बड़ी जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी हैं, 2 बड़ी मॉडिफिकेशंस की हैं। उनमें से जो पहली मॉडिफिकेशन है वो की गई है कि जो PhD के स्कॉलर्स जो थीसिस लिख रहे हैं उससे पहले उन्हें रिसर्च पेपर एक पब्लिश करना पड़ता था, अब उस मैंडेशन को खत्म कर दिया गया है।
और दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 4 ईयर का कर लेते हैं वो डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इससे हमें ये असर होगा कि जो PhD का जो रिसर्च है उसकी जो क्वालिटी है हमारे देश में वो इम्प्रूव हो जाएगी, और सेकेंडली जो बच्चों पर बर्डन हो जाता है रिसर्च पेपर पर फोकस करने का वर्सेस जो थीसिस पर भी उनको फोकस करना पड़ता है, तो वो उन पर जो बर्डन है वो अब कम होने जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एक कैंपेन जो लॉन्च की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। अगर हम इसकी डेट्स पर ध्यान दें तो इसकी डेट्स हैं फ्रॉम अक्टूबर 15 टू नवंबर 26। ग्राम पंचायत लेवल से शुरू होगा ये और 7 डिस्ट्रिक्ट्स इसके लिए सेलेक्ट की गए हैं ऑल ओवर इंडिया। तो अगर हम बात करें कि इसका फोकस क्या रहेगा, तो इसके फोकस में क्या होगा, मेकिंग स्मॉल अकाउंट्स नॉर्मल अकाउंट्स। तो स्मॉल अकाउंट्स नॉर्मल बनाने के लिए KYC का इस्तेमाल किया जाएगा। अचीविंग सैचुरेशन, तो बैंक अकाउंट्स और जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसके जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको मैक्सिमम इसके दायरे में लाने की कोशिश की जाएगी। फिर उसके बाद लोन्स की बात होती है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन जो है वो एक्सटेंड मैक्सिमम कराने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेंडिंग द कवरेज ऑफ मुद्रा एंड KCC, और ये एक्सपेंशन जो है उसमें जो एंगेज होंगे वो होंगे एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज से रिलेटेड फार्मर्स। तो ये हमारी आज जो कैंपेन है वो लॉन्च होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है हरिकेन और लेन के बारे में। अब हरिकेन और लेन के अगर आप ये इस डायग्राम के ऊपर ध्यान देंगे तो जब ये यहाँ पर हिट करने वाला था तो ये Category 4 का हरिकेन था, लेकिन जैसे जैसे वे ये इनलैंड की तरफ बढ़ता जा रहा है इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है, जो इसकी विंड स्पीड भी है वो कम होती जा रही है। अब इसे एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो खतरा है मेक्सिको के ऊपर वो टल गया है। जो ये हरिकेन आ रहा है इससे फ्लड इंड्यूसिंग रेनफॉल हो सकती है, इससे फ्लड आने की जो इंटेंसिटी है वो अभी भी कायम है। नेक्स्ट हमारे पास है दो बड़ी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, उनका कन्वर्जेंस हुआ है, MG NREGA एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो डिजर्टिफिकेशन का जो इशू है हमारे देश में वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके रिलेटेड जो फंडिंग है अब वो MG NREGA उसकी फंडिंग करने वाला है। तो इसके अंडर अब हम देख लेते हैं कि होगा क्या। तो इसके अंडर रिज एरिया ट्रीटमेंट, सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, रेन फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग, नर्सरी रेजिंग, एफॉरेस्टेशन एंड हॉर्टिकल्चर, तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये इसके अंडर लाई जाएंगी। तो जितना ये स्कीम कवर कर सकती है उससे 30% ज़्यादा कवर करने की कोशिश इसके अंडर अब की जाएगी। अब इसके अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो डाटा ये कहता है कि कुछ हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पर मोर देन 50% जो एरिया है वो ऑलरेडी डिजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है। तो वो कौन सी स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स हैं हमारे पास झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात एंड गोवा। और अगर हम कुछ और स्टेट्स की बात करें जिनका लेस देन 10% एरिया डिग्रेड हो रहा है, तो वो स्टेट्स हैं केरला, असम, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, UP, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप देखें तो 13 जो हमारे देश के स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो 2019 में जो कन्वेंशन हुई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, उसमें इंडिया ने जो अपना टारगेट था वो बढ़ा दिया था। तो इंडिया ने उसको बढ़ाकर 21 मिलियन हेक्टर से 26 मिलियन हेक्टर कर दिया था, लेकिन 3 साल हो चुके हैं हमें इस बारे में कोई भी प्रोग्रेस अभी तक जो है सरकार की तरफ से वो देखने को नहीं मिली है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।